आज हम लोगों का स्टेप क्या है, फाइल हैंडलिंग, मैंने कोर का लास्ट पार्ट। ठीक है, फाइल हैंडलिंग में सबसे पहले चीज की होता क्या है, ठीक है, तो सी में सबसे पहले समझिए, सी में अगर हमको कोई फाइल हैंडलिंग बोल दिया तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा मैनुअली सी ड्राइव के अंदर, टर्बो सी बोल के फोल्डर है उसके अंदर जाके, बिन के अंदर जाके, क्योंकि ये रूट डायरेक्टरी होता है। सी मेरा पाथ डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब जब भी होगा तो इसी में जाना पड़ेगा। आप एक अलग से मैनुअली फाइल बनाइए, आपका ऑटोमेटिक नहीं बनेगा, आपको मैनुअली फाइल बनाना है, उसके अंदर मान लीजिए लिख दिए वेलकम और सेव भी कर दिए खुद से। दूसरा, सी ड्राइव के अंदर, टर्बो सी के अंदर, बिन के अंदर जाके, ठीक है, मान लीजिए def.txt, इसके अंदर लिख दिए 2AICT, उसको भी सेव कर लिए। अब करना क्या है, कोडिंग के थ्रू मुझे सी का प्रोग्राम लिखना है कि हम एक फाइल में क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। जी, पहले तो फाइल को ओपन कीजिए। अब ओपन करना है तो रीड मोड में, राइट मोड में और अपेंड मोड में, बोला तीन वो मोड ऑफ ऑपरेशन है। बस तीनों में क्या, रीड मतलब समझ में आ रहा है पढ़ना, राइट मतलब पुराने वाले को चीज़ को क्लियर करके नया वाला चीज़ लिखना, राइट मतलब हमेशा पुराना वाला को हटा देगा, नया वाला लिखेगा, अपेंड मतलब पुराना वाला भी रहने देगा और नया वाला भी लिखेगा अपेंड, ठीक है, बोला ओके। दूसरा, फाइल को क्लोज करना, ठीक है, कॉपी करना, पेस्ट करना, यही सब तो होता है, कॉपी एंड पेस्ट। चलो हम एक काम करते हैं, बोला यहाँ पे अगर सी में करना होगा तो मुझे कैसे कोड करना होगा सी में, वर्ड में, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एफ ओपन बोल के फंक्शन है, फाइल को ओपन कीजिए, कौन से फाइल को, तो abc.txt नाम का फाइल को, किस मोड में, तो रीड मोड में, रीड करके एक वेरिएबल में रख लो। अब किस टाइप का वेरिएबल में रखना जरूरी है, बोला कि हो सकता है कि abc.txt में हम वेलकम अभी लिखे हैं, हम तो वेलकम टू aict भी लिख सकते थे और एक पेज का भी लिख सकते थे मैसेज, मतलब तो स्ट्रिंग तो बनेगा कैरेक्टर टाइप या जो भी, बोला ये सबसे बेस्ट है पॉइंटर टाइप वेरिएबल, क्योंकि पॉइंटर ही एकमात्र है जो कि जितना मर्जी उतना साइज बना देगा। प्रॉब्लम है कि पॉइंटर, अगर इंटीजर टाइप पॉइंटर सिर्फ इंटीजर का डेटा रख सकता है, फ्लोट टाइप पॉइंटर सिर्फ फ्लोट का डेटा रख सकता है, तो फाइल टाइप पॉइंटर ही सिर्फ फाइल का डेटा रख सकता है, तो मैंने पॉइंटर को किस टाइप का बनाना पड़ेगा, फाइल टाइप, तो फाइल टाइप पॉइंटर। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ लूप चलाना है, फॉर लूप, गेट सी, गेट कैरेक्टर फ्रॉम फाइल, गेट कैरेक्टर फ्रॉम फाइल, कौन से फाइल, पी नाम का फाइल, एक सी एच नाम के वेरिएबल में, कब तक, जब तक कि नॉट इज इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल, जब तक कि फाइल एंड ना हो, ठीक है। बोला एंड ऑफ फाइल क्या होता है, एंड ऑफ फाइल जैसे आप लोगों को स्ट्रिंग में सिखाया जाता है कि नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, तो वैसे ही फाइल में एंड ऑफ फाइल ऐड हो जाता है, EOF, जिसको हम कंट्रोल जेड भी बोलते हैं, अंडू, पकड़ के रखो कि लास्ट पाथ कहाँ तक पहुँचा है, तो कंट्रोल जेड का ASCII कोड 26 होता है, तो आपकी मर्जी आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोड में एंड ऑफ फाइल लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल में कोड लिख सकते हैं 1A, तो आपकी मर्जी आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो फाइल को फिर से गेट सी फ्रॉम पी एंड सी एच, कब तक, जब तक कि एंड ऑफ फाइल ना हो, अभी तक सी से समझा रहा है, पाइथन में अभी जस्ट थोड़ी देर में आ रहा है, ठीक, बोला बस जो भी गेट किए उसको प्रिंट एफ परसेंटेज सी कॉमा देके सी एच और एफ क्लोज, फाइल को क्लोज कर दीजिए, कौन से फाइल को, जो पी में ओपन है, तो इतना इजी है। फाइल को कैसे हम रीड करते हैं ये तो समझ में आ गया कम से कम, क्लियर। बोला कॉपी पेस्ट करना, बोला यहाँ पे मैं क्या क्या प्रॉब्लम आपको दिखा, एक पाथ डिपेंडेंट और आपको पहले से फाइल बनाना पड़ रहा मैनुअली, आपको पाइथन में क्या फ़ायदा है, आपको पाइथन में समझाते हैं। आइडियली फाइल हैंडलिंग इन पाइथन सबसे अच्छा, सी जावा से भी बहुत अच्छा है, ठीक है, दिखाते हैं।
फाइल में गए, न्यू फाइल, कंट्रोल एस, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में आप लोगों का फोल्डर तो गायब हो गया है, ये था, बहुत सही, F32, ठीक है। अब मुझे करना क्या है जी, मुझे करना है ओपन, लीजिए फाइल को ओपन कीजिए, कौन से फाइल को, तो ram.txt। मैं क्या मेरा डेस्कटॉप पे कोई ram.txt नाम का फाइल है क्या, मुझे तो नहीं लगता कहीं पे है, आर मारिए, आर आर का ही नहीं है, रिसाइकल बिन छोड़ के और कुछ है ही नहीं आर नाम से, तो कोई फाइल, ओ सॉरी इसमें तो नहीं, आपका तो समर ट्रेनिंग के अंदर ना, पाइथन समर के अंदर कोई फोल्डर ही नहीं है और ना ही कोई फाइल है ram.txt। तो आपका फ़ायदा यही है कि आप अपना लिखो, कौन से मोड ऑफ ऑपरेशन में, तो राइट मोड में, जब तक लिखोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे। अच्छा, क्या पॉइंटर है पाइथन में, तो बोले ना, आप जिस टाइप का डेटा रखोगे वो ऑटोमेटिकली अपना टाइप कन्वर्ट कर देगा, मतलब हमको टाइप का भी झंझट नहीं, पॉइंटर का भी झंझट नहीं, ठीक है, मैं और डायनामिक साइज, बोला ओके। अब मैं चाहता हूँ यूज़र से कुछ लिखना, इनपुट राइट योर मैसेज, मतलब सब डायनामिक हो गया, अपना मैसेज लिखो, जो भी आप लिखना चाहते हो वो मैसेज तो लिखो, ओके। और क्या p.write this one हो गया, हाँ p.close, एक बार रन करा के देख लेते हैं अपना, पहले देखते हैं फाइल बना या नहीं बना, बन तो गया, क्या कुछ लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है, मतलब यहाँ पे फाइल ऑटोमेटिक बनता है, तो आपको कोडिंग से ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। दूसरा जो चीज़ है वो है कि अगर मैं लिखता हूँ, ओ वो कहाँ, ये जहाँ पे रहेगा वहीं पे बनेगा, हाँ आप तुम्हें चेंज होते पड़ रहे हैं, हमें देखा चाहिए, ओके। तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ, ओके, जय श्री राम, ठीक है, सच में लिखाया या नहीं लिखाया अब वो चेक करना होगा मुझे, सब कुछ कोड से हो गया है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें सीखना है, ठीक है, समझे जी, सब कुछ कोडिंग से, कोड से ही सब कुछ हम लोग लिख लिए हैं। अब चाहते हैं ये खोल के फोल्डर में घुस के मत देखना पड़े, मैं चाहता हूँ कि हम फाइल को, ये तो मैनुअली हो गया ना, मैं चाहता हूँ इसको भी ऑटोमेटिक हो जाए, तो कैसे करेंगे, ये रहने दीजिए, ओके, ये रहने दीजिए। अब मैं चाहता हूँ p.open, फाइल को ओपन कीजिए, सॉरी p.open क्यों, p=open, वही लेकिन रीड मोड में, ठीक है, अच्छा h2=p.read, हो गया प्रिंट h2, मतलब हमको खोल के पढ़ने का भी टेंशन नहीं है, जय श्री राम उसमें लिखा हुआ है, पढ़ा भी गया, मतलब हमको कितना अच्छा चीज़ है, तो मैं जो भी लिखूंगा वही लिखाएगा, ठीक है। देखिए आबार राइट मध्य देखा ना, एट लास्ट एबार देखा हुआ करो, अब मैं फिर से नया मैसेज लिखता हूँ, अब राइट और रीड दोनों एक साथ, ठीक है, मैच मान लीजिए जय बजरंग बली, ठीक है, लिखा गया, ये तो हमको तो ये तो दिख ही गया क्या लिखाया, मैंने ये लिखा, फाइल में भी ये लिखाया, ठीक है, और एक बार फोल्डर में घुस के भी देख लेते हैं जी, काम तो कर रहा थोड़ी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जय बजरंग बली भी रहे, जय श्री राम भी रहे, ठीक है, बोला कि तब इसको छोटा सा कोड को अपेंड मोड, बस और कुछ नहीं, ठीक है, बोला जय, पहले तो एक एक्सक्लेमेशन चाहिए ताकि अलग अलग दिखे, जय श्री राम, जय बजरंग बली एक्सक्लेमेशन साइन कॉमा और जय श्री राम दोनों लिखा गया, अच्छा भी लग रहा, तो
मैंने राइट मोड, मैंने रीड मोड, अपेंड मोड क्लोज करना, ओपन करना और सेव ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। मैंने हमको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। ऐसे भी आप जानते हो कोई भी फाइल को क्लोज करने का कोशिश करते हो तो पहले बोलता है डू यू वांट टू सेव ऑटोमेटिक, तो यस पे टिप आ भी जा रहा। तो मतलब हमारे पास यही फ़ायदा है यहाँ, ठीक है, क्लियर। तो फाइल हैंडलिंग पाइथन का बहुत ही अच्छा है। बोला गलती से अगर कोई डिलीट मार दिया, राइट ऑपरेशन हटा दिया, सिर्फ रीड, और सर पहले रीड सिर्फ करो, हाँ जय श्री राम जय बजरंगबली, ठीक है। और अगर फाइल को गलती से डिलीट मार दिया, अब सिर्फ रीड करने की कोशिश करो, लंबा चौड़ा एरर, ठीक है। बोले तो ऐसा क्यों, क्योंकि फाइल ही नहीं है तो रीड कैसे कर लोगे आप, ठीक है। तो राइट ऑपरेशन ऑटोमेटिकली होता है, रीड ऑपरेशन जो है आपको क्या करना पड़ता है इसके लिए, ट्राई कैच, ट्राई कोशिश करो रीड करने का। अगर रीड नहीं हो पाता तो उस गलती को दिखाओ, और गलती होने का चांसेस क्या है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत ही तगड़ा है। अब देखिए क्या दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर राइट में या अपेंड में अगर फाइल मिसिंग रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। देखिए क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब कोई चाहता है कि नहीं सर, हम फाइल का भी नाम चाहते हैं कि खुद से दें, मतलब ओके, तो मैं मान लीजिए चाहते हैं कि फाइल का भी नाम खुद से दें, ये वाला नहीं, मैं चाहता हूँ फाइल का भी नाम खुद से दें, तो यहाँ पे इसी चीज़ को यूज़र से इनपुट ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी M1 इज इक्वल्स टू इनपुट, लेकिन मैं चाहता हूँ इंटर फाइल नेम, ठीक है, विथ एक्सटेंशन या विथ .txt, और यहाँ पे पूरे को हटा के M1 लिख दीजिए। अब देखिए तो आया ना, अब मैं चलो sita.txt, देखिए तो फाइल बना या नहीं सीता नाम से, सीता नाम से फाइल बन गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कुछ भी लिखे, ओके कुछ भी, अब इतना ही, मतलब फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, वहाँ पे राम को ही रीड कर रहे हैं ना, इसलिए रीडिंग के समय में कोट हो गलती से राम लिखा गया है, ठीक है। तो अब जाके पूरा परफेक्ट हो गया है। फिर से पुराना डिलीट मारते हैं, फिर से वापस, मतलब अब पूरा ही डायनामिक हो गया। आप कुछ भी नाम दीजिए, ठीक है, rr1.txt, पढ़ा भी गया, फाइल भी बन गया, तो बहुत ही अच्छा है, समझ में आ रहा। तो अब इस प्रोजेक्ट क्या क्या कर बना सकते हैं, ये तो हो गया मेरे पास, इतना ही छोटा सा कोड मुझे जानना था। चलिए तो हमारे पास अब एक वो हम प्रोजेक्ट या दो वो प्रोजेक्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। बोला कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट मतलब ये है कि आपके फ़ोन में जैसे कॉन्टैक्ट सिस्टम होता है ना, आप नया नया फ़ोन खरीदते हो तो आपके पास कोई भी कॉन्टैक्ट में नहीं रहता, तो ये वो प्लस बोल के ऐड करने का ऑप्शन, ऐड कॉन्टैक्ट। बोला पर्सन का फ़ोन नंबर, पर्सन का कुछ भी आपकी मर्जी, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, हम दो ही चीज़ से सिर्फ करते हैं। जैसे ऐड करेंगे देखिएगा ऐड हो जाएगा, दूसरा ऐड, ठीक है, ऐड जो भी हो, अगर हम चाहते हैं सॉर्टिंग करना तो सॉर्टिंग भी हो जाएगा, और सर्चिंग करना तो सर्चिंग भी हो जाएगा,
क्लियर। तो ये चीज़ मुझे बनाना है, या फिर मेरे पास एक और सिस्टम है, वो है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। तो लगे बैंक मैनेजमेंट में भी सेम ही है कि एकदम नया नया जब बैंक में आप जाओगे तो अपना अकाउंट खुलवाओगे, तो पर्सन का नाम, ओके, उसका अकाउंट नंबर, उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, फ़ोन नंबर, चलो उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है। तो मान लीजिए 1,000 रुपया दे के वो अकाउंट खुलवाता है, डेटा स्टोर हो गया, दूसरा डेटा स्टोर, तीसरा डेटा, ऐसे ऐसे करके डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब कुछ भी हम एडिट कर सकते हैं अकाउंट नंबर को छोड़ के, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसको या तो टपल बना देंगे, या फिर मैं ऐसा कोडिंग ही लिखूँगा कि उसमें कोई चेंज ना कर पाए, या तो उसको की बना दूंगा, सबसे बेस्ट है की बना देंगे तो झमेला ही नहीं रहेगा, की तो कभी मॉडिफाई होगा ही नहीं, आ गया प्रॉब्लम, ठीक है। डिक्शनरी, अच्छा, फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, बैलेंस, जहाँ तक कि बैलेंस की बात आएगी तो क्रेडिट भी कर सकते हैं, डेबिट भी कर सकते हैं, मैं ऐड मनी भी कर सकता हूँ। तो मान लीजिए 200 रुपया ऐड होगा तो उसका 1,200 रुपया हो जाएगा, और 200 रुपया घटेगा तो उसका 800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे करके कोडिंग करेंगे तो ये वाला में ज़्यादा सीखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट दोनों एक ही है, लास्ट में हम जानते हैं कि जब तक मेरा सॉफ्टवेयर रन करेगा तब तक तो मैं ठीक है डेटा देख पाऊंगा, जैसे मैं सॉफ्टवेयर को क्लोज करूंगा तो स्टोर नहीं होगा, यहाँ पे मैं फाइल हैंडलिंग का भी इस्तेमाल कर दूंगा कि जैसे जैसे मेरा स्टोर होगा वो फाइल में भी घुसते जाएगा, ठीक है। अब या एक बार में इन कराओ या फिर बार बार इन कराओ, वो आपकी मर्जी है। तो तुरंत डेटा जाएगा, तुरंत फाइल हैंडलिंग में घुस जाएगा कोई भी नाम का फाइल, अच्छा समझ में आया, तो ऑनलाइन समझ में आया सबको, यस सर जी। अब आता है कि सर ये डाटा इन करने वाला वो समझ नहीं आया सर, मतलब डाटा इन करने का मतलब फोल्डर में, मतलब उसका फाइल में, फोल्डर में नहीं फाइल में, एक्चुअली देखिए आप लोग अभी तक क्या सीखे हो, इंटर नंबर मान लीजिए 3, इंटर सेकंड नंबर 5, 8 आंसर आ गया, लेकिन कहीं स्टोर होता था नहीं, सॉफ्टवेयर क्लोज कर देने से कोई डेटा मिलता नहीं था। लेकिन अगर यही फाइल हैंडलिंग से हम सीखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, मैं अगर अंदर में ही स्टोर भी कर दूंगा ताकि कोई देख भी ले, जैसे आप लोगों का मोबाइल में हिस्ट्री रहता है ना, कैलकुलेटर में सारा डेटा स्टोर रहता है वहाँ, कि आप क्या क्या कैलकुलेशन किए हो, तो वही यहाँ पे भी करने वाले हैं, ठीक है समझे। हाँ तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, हमारे पास कोड तो रेडी है, कोड रेडी है, ठीक है, बट कोड रेडी है तो क्या हुआ, हमको वहाँ से सिर्फ कोड को कॉपी पेस्ट करना है, ना कि हम लेकिन समझ समझ के ही बनाएं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उसको अब क्लोज करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो फाइल में गए न्यू, फाइल में गए सेव, लेकिन सेव करते समय इस बार जानबूझ के फोल्डर में बना रहे हैं प्रोजेक्ट 1, क्योंकि उसके संग मिक्स नहीं होना चाहिए ताकि एक जगह पर रहे, है ना। तो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट का नाम हम क्या देते हैं, तो प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं बैंकिंग सिस्टम, तो बैंकिंग काफ़ी, ठीक है। तो बैंकिंग अभी कहाँ पे गया, पाइथन समर के अंदर प्रोज 1 के अंदर चला गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कोडिंग करना है कि सबसे पहले मुझे यूज़र फ्रेंडली बनाना है, ठीक है। तो यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए मुझे 1 for add, 2 for subtract ऐसे ऐसे करके लिखना, जो यूज़र फ्रेंडली, ठीक है। तो बोला गया सबसे बेस्ट है फंक्शन से बनाओ, क्यों बेस्ट है, क्योंकि फंक्शन का फ़ायदा क्या होता है कि जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो ही वो काम करेगा, वरना लिखा भी रहेगा तो कोई काम नहीं करने वाला। तो एक फंक्शन बना लिया प्रिंट मेनू बोल के, 1 for create account, 2 for print all account details, 3 for remove account, 4 for details of the account holder, 5 for edit account, 6 for save account in file, 7 for load account from file and quit। बहुत ही अच्छा है, एक बार खाली चेक कर लेते हैं, खाली फंक्शन को कॉल कर लीजिए तो प्रिंट मेन रन, प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, ओके समझ में आया चीज। हाँ तो मेन फंक्शन कहाँ पे है, मेन किसको बोलेंगे, इसको। तो
तो मेन कोड हेयर, ये मेन कोड है, यहाँ से जब मैं फंक्शन करूँगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद मैं चाहता हूँ यूज़र से मांगूँ, फिर भी ये तो प्रिंट हुआ, यूज़र अपना चॉइस डालो, ठीक है। तो n1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इनपुट एंटर योर चॉइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए उसने वन प्रेस किया, अच्छा इंटीजर, मान लीजिए उसने वन प्रेस किया, तो मुझे एक फंक्शन कॉल करना होगा, तो इफ, ठीक है, एन वन इज इक्वल इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो मैं किस फंक्शन को कॉल करूँगा, तो मैं चाहता हूँ एक फंक्शन बनाऊँ, ठीक है, ऐड अकाउंट नाम का फंक्शन, ठीक है, ओके। बोला कि सारा डेटा तो एक ही जगह पे स्टोर होगा ना, तो बेटर तरीका है एक डिक्शनरी भी ले लो, बेटर तरीका है एक डिक्शनरी ले लो या एसएससी नाम का एक डिक्शनरी ले लो। जब भी मैं ऐड अकाउंट करूं या डिलीट अकाउंट करूं, तो उसी डिक्शनरी के डेटा को डिलीट मारेंगे या एडिट करेंगे। तो मैंने एक डिक्शनरी ले लिया, खाली डिक्शनरी, कुछ डेटा डाला हुआ नहीं है, लेकिन मैं जब ऐड अकाउंट करूंगा तो ओके, तो हमारे पास एक एरे है, मेनू प्रिंट करा लिए। अच्छा अगर मैं वन प्रेस करूंगा तो ऐड अकाउंट, बोला वो भी तो फंक्शन बनाना पड़ेगा ना, तो def ऐड अकाउंट, क्या कोई पैरामीटर में आ रहा है डेटा, तो हाँ, ठीक है, तो एक एरे आ रहा है। जानबूझ के नाम सेम मत करना, सेम करोगे फंस जाओगे, आप खुद फंसोगे, आप अलग रखो ताकि मुझे समझ में आए। प्रिंट बस टेस्टिंग के लिए ऐसे ही कुछ प्रिंट करा दिया। जब मैं वन प्रेस करूँगा तो डॉट डॉट प्रिंट होगा, ठीक है, एक बार देखें तो काम कर रहा है कि नहीं। इंटर योर चॉइस वन, काम तो कर रहा, ये तो ऑप्शन, वन प्रेस कर ले क्रिएट अकाउंट फंक्शन, तो अकाउंट आई मीन तो ऐड अकाउंट फंक्शन बनाच्छी ना, धरो तुम्हार एज फाइल लेखा आछे, एडिट लेखा आछे, एटा जदि ना लेखा थाकले कि करते तुम्हें, किछु करते पारते ना, एटा ओ एरकमे, एटा ऑप्शंस प्रिंट होलो कि की ऑप्शन आछे, एर उपरे क्लिक मारले एई ऑप्शन आसबे, এর উপরে ক্লিক মারলে এই এই অপশান আসবে। তো ওয়ান প্রেস করলে আমার অ্যাড অ্যাকাউন্ট নামের ফাংশনটা কল হবে, ফাংশনটা কল হয়ে কী হবে এবার তো পরে, ঠিক আছে। আচ্ছা বলে এলিফ আগর এন টু, তো ক্যা থা ডিসপ্লে অ্যাকাউন্ট, ডিসপ্লে নেই অল অ্যাকাউন্ট, फिर से वही एरे, तो मुझे ऑल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ताकि समझ में आए। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक देखिए, तो अब वन प्रेस किए खत्म हो गया कोड, मतलब आपको बार बार रन कराना पड़ेगा, ऐसे सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है। फाइल में देखिए, तो मैं तो बार बार भी फाइल में कर सकता हूँ, तो बोला गया अभी मेरा कोड एक ही बार करके रुक जाएगा, मैं चाहता हूँ कि बार बार करें, तो व्हाइल ट्रू, इनफाइनाइट लूप, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। बोला अब देखिए, तो फिर से इंटरव्यू चॉइस आया नहीं, हम बार बार भी वन प्रेस कर सकते हैं, टू भी प्रेस कर सकते हैं, काम तो करने लगा कम से कम। तो ये होता है मल्टी टाइम्स, जैसे घड़ी 24 घंटा के बाद फिर से वन से स्टार्ट ले लगा, तो इन सब में वाइल ट्रू का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम सुपर लूप भी बोलते हैं, तो सुपर लूप भी बोलते हैं। अच्छा इसमें क्या कोड है, 8 प्रेस करने से ऑटोमेटिकली निकल जाओ, वन टू में कुछ न कुछ काम करना है, 8 में काम नहीं करना है, ठीक है। तो जब कोई 8 प्रेस करेगा तो कुछ काम नहीं करना है, 3 बार में हम लिखेंगे, तो 3
ब्रेक का काम क्या होता है कि लूप को तोड़ के बाहर निकल जाए। बोला ओके, एक बार देखा तो अगर मैं वन प्रेस करूँगा तो बार बार आएगा, टू प्रेस करूँगा तब भी बार बार आएगा, लेकिन एट प्रेस कर दूँगा तो एक बार देखा तो बाहर आया या नहीं, आ गया, टूट गया। तो मैंने ये सब टेस्टिंग है, मतलब ये सब तरीका होता है कोडिंग सीखने का। करेंगे क्या वो तो बाद की बात है। तो हमारे पास क्या क्या फंक्शन है, एक ऐड अकाउंट, एक ऑल अकाउंट, एक ऐसे ऐसे करके, रिमूव अकाउंट, डिटेल्स अकाउंट, एडिट अकाउंट, सेव अकाउंट वगैरह वगैरह, सारे का सारा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, सात वो फंक्शन, ठीक है। तो सात वो फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा अलग अलग, और सब में एक एक करके घुसा देते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, ऑल अकाउंट के बाद क्या है जी, रिमूव, उसके बाद डिटेल्स। ओहो, अगर कोई थ्री प्रिंट करेगा तो रिमूव अकाउंट, अगर कोई फोर प्रेस करेगा तो डिस्प्ले अकाउंट, कोई फाइव प्रेस करेगा तो सेव अकाउंट, एंड सिक्स प्रेस करेगा, और बीच में एडिट अकाउंट भी है, सिक्स प्रेस करेगा तो सेव अकाउंट, फाइल हैंडलिंग स्टार्ट होगा, एंड डिलीटो आचे, डिलीट नहीं, यही तो रिमूव तो आचे, ओके, सेव, सेवन, लोड अकाउंट, मैंने फाइल थे डेटा उठानो, एतगुलो हमारे फंक्शन आचे, ऐड, ऑल, रिमूव, डिस्प्ले, एडिट, सेव और लोड, समझ में आया। इतने सारे फंक्शन भी बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका काम करता हूँ, ठीक है, बात बाकी का मैं बाद में काम करता हूँ। डिक्शनरी आ गया, हमको सबसे पहले क्या करना है, यूज़र से मांगना है, क्या बनाना मांगना है जी, मांगना है मुझे अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर, जितना रुपया बैलेंस देखे अकाउंट खोलेगा। चलो तो नेम, इनपुट, एंटर नेम, ठीक है, एसीसी अकाउंट, एंटर अकाउंट नंबर, एंटर फोन नंबर, एंटर फोन नंबर, আমাদের কে এন্টার করতে হবে এখন, করতে পারবো কিন্তু মুশকিল হবে, আমরা জানবোই না, আমাকে তো আবার দেখে দেখে করতে হবে, তাহলে নেক্সট নাম্বারটা কি আমি আমরা মানে মনে থাকবে, আমি তো ডামি বাস বানাচ্ছি, ঠিক আছে। তো নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর, ফোন নম্বর, ব্যালেন্স, ইয়ে ইন্টিজার, মানে ফোন নম্বর মে কেউ নেই, क्योंकि फ़ोन नंबर में प्लस 91 भी बहुत जन लिखता है, ठीक है, इसीलिए इंटर बैलेंस। अब प्रॉब्लम है कि मैं डिक्शनरी में डाल देता हूँ, तो सबसे पहले लिस्ट में डालता हूँ, सॉरी लिस्ट में डालता हूँ, एन एम ए सी सी पी एच कॉमा बैलेंस, और सबको डालने के बाद D1 ऑफ ACC इज इक्वल्स टू L1, बोला इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपका अकाउंट नंबर की बन गया डिक्शनरी में, और L1 मतलब पूरा डेटा एक जगह पे, मतलब अगर मैं पिक्चर देखूँ इसका तो कुछ इस तरह से पिक्चर है, कुछ इस तरह से पिक्चर है कि आपको डिक्शनरी में, मान लीजिए अकाउंट नंबर 110, डेटा नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये ज़्यादा साफ सुथरा दिखेगा, इसलिए मैंने लिस्ट में डाल कर रख दिया, नहीं तो बिखरा हुआ रहता, दिक्कत क्या होता,
एक की में तो एक ही वैल्यू जा सकता था ना, कोई एक या तो नाम या तो कुछ, इसीलिए मैंने क्या किया लिस्ट का इस्तेमाल कर लिया ताकि सब मिलके एक हो जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा अकाउंट नंबर इंटरेस्टिंग भी है ना, तो मुझे अभी जानना नहीं है, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, मुझे करना है सिंपल सा यही है ना, हाँ तो नाम उन डाल दिए, बोला प्रिंट इंसर्टेड सक्सेसफुली, मतलब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा इंसर्टेड सक्सेसफुली, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा अगर एक ही अकाउंट नंबर दो बार डाल दिए तो पुराना वाला डेटा को ओवरलैप कर देगा, तो इसीलिए डालने से पहले अपना जी पूछ लीजिए सब कुछ, डालने से पहले मतलब ये करने से पहले आप एक कोड लिख दीजिए, इफ इफ एसीसी नॉट इन D1 अगर नहीं रहेगा तो ही ये इंसर्ट होगा, अगर रहेगा तो क्या दिखाएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट अकाउंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, समझ में आया, एक बार करके देख लें रन वन नाम कुछ भी अकाउंट नंबर 111 उसके बाद क्या था जी फोन नंबर